Hello everyone, good morning. Welcome to An Academy Neet. Welcome to this Super 10 series in which we are going to discuss today one important topic and the last topic of locomotion and movement. ये chapter किया था आपने human physiology में, जिसमें बिल्कुल आखिर वाला portion क्या था disorder से पहले, that is joints, arthros. आज हमने बात करनी है arthros के बारे में, कितने type के arthros हैं और उनके example body में कहाँ कहाँ पर ये situated हैं. बहुत easy है और आज मैं एक trick भी बताऊँगी किस तरीके से आप इसको future में याद कर सकते हैं, ठीक है? So let us start with joints. First of all, joints, they are also called as arthros. ठीक है, the word is arthro. तो आपने सुना होगा arthritis, arthro, related to something which is joint. ठीक है, तो इसी वजह से study of joint is called as arthrology. क्या बोला जाता है? Study of joint is called as arthrology. Now in your body there are totally three types of joint depending upon the kind of movement that they perform. ठीक है, so total तीन तरीके के joints हैं हमारे पास. सबसे पहले टाइप के जॉइंट्स है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होती है. दोज आर कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट्स. सबसे पहले टाइप के जॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड एज फाइब्रस और दीज आर कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट्स. दैट मीन्स ये वो जॉइंट्स है जिनमें दो बोन्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन बोन एंड दिस इज अनदर बोन, एंड दो जॉइंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? वाइट कोलेजन फाइबर. अब वाइट कोलेजन फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि ये दो बोन्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करने देता है. कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट्स. यहां पर लिख लीजिए, दिस इज इमूवेबल. ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ पर प्रेजेंट है ये बॉडी में? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन योर स्कल बोन्स. आपके जो स्कल की बोन्स हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं? विद द हेल्प ऑफ अ जॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज सूचर्स. कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं होती है. सेकेंड एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी टूथ, जहाँ पर आपका सॉकेट के बीच में एम्बेडेड है. टूथ इज एम्बेडेड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टूथ एंड इट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन. ठीक है, यहाँ पर भी जो जॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी फाइब्रस जॉइंट एंड दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज गॉम्फोसिस. दिस इज कॉल्ड एज गॉम्फोसिस. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमूवेबल जॉइंट. तो ये पहले टाइप के जॉइंट हो गए बॉडी में जो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, क्योंकि दो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट है. मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट, दूसरे तरीके के जॉइंट आपके होंगे स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे. ठीक, सो सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट, दीज आर कॉल्ड एज कार्टिलेजनस जॉइंट्स और दीज आर स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं. नाम से क्लियर है यहाँ पर दो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज. अब कार्टिलेज में आपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज पढ़ा था, दैट इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज. इसमें दो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज. ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क. आपके जो दो वर्टिब्रा है उन दो वर्टिब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज. और ये क्या है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी इंटर वर्टिब्रल डिस्क. ठीक है, ये हमने कार्टिलेज में भी सीखा था. ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल इज इन द पेल्विक रीजन विच इज प्यूबिक सिम्फाइसिस. प्यूबिक सिम्फाइसिस, दो आपकी कॉक्सा थी, हिप बोन थी, उसका जो एक पार्ट था वो क्या था? प्यूबिक. वो जो प्यूबिक था वो आपस में जुड़ा हुआ बाय अ कार्टिलेज विच इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना? प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट टाइप यहीं पर आएगा. अगला एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजनस जॉइंट इज बिटवीन रिब्स एंड योर स्टर्नम. यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है, यहाँ से रिब्स आ रहे हैं, इनके बीच में भी क्या आ रहा है? कार्टिलेजनस जॉइंट. थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है ना, ज्यादा मूवमेंट नहीं है. रिब्स एंड स्टर्नम, तो दो टाइप के ऑर्थ्रोज हमने कर लिए, दो टाइप के जॉइंट्स हमने कर लिए. दैट इज गोइंग टू बी फाइब्रस एज वेल एज कार्टिलेजनस जॉइंट. एक बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, थोड़ा बहुत मूव करता है. अब आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स पर. किस पे आएंगे? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स विच आर कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट्स. ठीक है, ये क्या है? कंप्लीटली फ्रीली मूवेबल. अब चीज फ्रीली मूवेबल तभी होती है जब उसके अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है. तो इसके अंदर थर्ड टाइप के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको आप बोलोगे साइनोवियल फ्लूइड. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन बोन एंड दिस इज सेकेंड बोन. ठीक है, ये है दोनों बोन्स का एपिफाइसियल रीजन.
इस एपिफाइसियल रीजन पे कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो आर्टिकुलर कार्टिलेज. दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज. इट इज अ टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज. ठीक है, अभी जो बीच का रीजन है, बीच का रीजन इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड. तभी तो फ्लूइड की हेल्प से दोनों बोन आपस में मूव कर सकती हैं. एंड दिस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय अ मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन. तो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन ने यहाँ पर ये फ्लूइड सिक्रेट किया. ठीक है, ये कहलाएगी बेटा आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक, जिसने एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड जेलेटिनस बिल्कुल जेली लाइक फ्लूइड सिक्रेट किया, दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड. ये क्या बनाया था मैंने येलो कलर से? दिस वॉज अ टाइप ऑफ आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज का एक टाइप है विच इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज. ठीक है, ये जो पूरा साइनोवियल स्ट्रक्चर है, ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज फर्दर सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल. यहाँ पर इसकी फर्दर बेटा इनकैप्सुलेशन करी गई है फाइबर्स की हेल्प से. तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि दो बोन्स के बीच में फ्लूइड आ गया. वो फ्लूइड जेली लाइक फ्लूइड है जिसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है. यस, एम आई क्लियर टू एवरीवन? है ना, यहाँ पर कंप्लीट मूवमेंट पॉसिबल है. ठीक, तो ये जॉइंट हो जाएंगे फ्रीली मूवेबल. अब आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट आप देख रहे हो कैसे हाथ मूव कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये ऑल हमारा हेड मूव कर रहा है. दिस ऑल इज द एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट. तो एग्जाम्पल कर लेते हैं साइनोवियल की वन बाय वन. सो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. सबसे पहला जॉइंट जिसमें एक सॉकेट है, सॉकेट के अंदर बॉल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब ये बॉल इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी, बहुत सारे डायरेक्शंस में इसकी मूवमेंट पॉसिबल है. सो दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हाँ जी, फर्स्ट टाइप का जॉइंट जो हम इसमें करेंगे दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है, मोस्ट बहुत सारे डायरेक्शंस में इसकी मूवमेंट पॉसिबल है. एग्जांपल बेटा इज गोइंग टू बी योर शोल्डर जॉइंट. दैट इज अ जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, सो कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये? शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट. अगर आप अपने शोल्डर को देखोगे तो ऐसी ऐसी मूवमेंट, ऊपर नीचे पूरा जनरेटर चला सकते हो, ऐसे गोल गोल मूवमेंट सब पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस इज अ बॉल जो कि स्कैपुला की ग्लेनॉइड कैविटी जो कि सॉकेट की तरह काम कर रही है उसमें रहेगा, शोल्डर जॉइंट. ठीक है, सेम वे बॉल एंड सॉकेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर फीमर, हेड ऑफ द फीमर दैट इज योर हिप बोन एंड एसिटाबुलम ऑफ योर कॉक्सा. है ना, ये भी आपके जो हिप जॉइंट है उसमें भी आप अपनी लेग को आगे पीछे एक्सरसाइज कराने आते हैं ना, वो भी यही कराते हैं. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर हिप जॉइंट. पता है ना किस किस के बीच में, मैं लिख नहीं रही हूँ बट आपको पता होना चाहिए. हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. दिस इज बिटवीन हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटाबुलम. ठीक, सो पहला टाइप का जॉइंट हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज गोइंग टू बी हिंज जॉइंट. अगला जॉइंट कौन सा कहलाएगा बेटा? हिंज. हिंजेस क्या होते हैं? आपके दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे के पीछे वैसे पत्ती सी लगी होती है, तीन पत्तियां, दोज आर हिंजेस. हिंजेस की वजह से ही आपका दरवाजा खुलता है. ठीक है, पकड़ के रखा हुआ है लेकिन दरवाजा एक ही डायरेक्शन में खुलता है जिसके पास हिंज होता है. जो कई बार बिना हिंज के शीशे वाले दरवाजे होते हैं वो दोनों साइड पे भी खुल जाते हैं, बट जो हिंज वाला दरवाजा है इट विल ओपन ऑन ओनली वन साइड. दैट मीन्स जहां पर ये जॉइंट प्रेजेंट होगा वहां पर मूवमेंट इज पॉसिबल इन ओनली वन प्लेन, दैट इज गोइंग टू बी योर एल्बो. आप ये देखोगे यहाँ पर एल्बो पे हिंज लगा हुआ है तो मूवमेंट बस यही पॉसिबल है, उल्टा तो नहीं जा सकते, है ना. सेम वे योर नी, आपकी नी में जो जॉइंट है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट. सो एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके एल्बो जॉइंट एंड अनदर वन इज गोइंग टू बी नी जॉइंट. ठीक, हाँ जी, अभी हमें पता चल गया हिंज जॉइंट में कैसी मूवमेंट है एंड आपके एल्बो जॉइंट में कैसी मूवमेंट है. नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें बोन इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकती है, ग्लाइड कर सकती है आगे पीछे, है ना, ऐसे ऐसे. सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट जो सिंपलेस्ट जॉइंट है, बॉडी में मैक्सिमम जगह यही प्रेजेंट होता है, दैट इज गोइंग टू बी ग्लाइडिंग जॉइंट. हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज गोइंग टू बी ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक, ग्लाइड करना है, स्लाइड करना है ऐसे ऐसे बोन्स को. ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ये सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट जॉइंट. कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? आपकी कार्पल्स के बीच में, ये जो हिस्सा है रिस्ट,
एरिया, इट इज योर कार्पल। कार्पल की जो 8 बोन्स है वो क्या करती है, आपस में ग्लाइड करती है। सेम वे आपकी एडी, एडी में कौन सी बोन्स है, टार्सल्स। टार्सल्स की भी जो बोन है दे ग्लाइड अपॉन ईच अदर, सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर कार्पल्स। क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल में से ही आएगा, एंड बिटवीन टार्सल्स। ठीक है बेटा, हाँ जी, ग्लाइडिंग जॉइंट क्लियर सबको, यस। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट, जिसमें एक बोन क्या है इस तरीके से, ठीक है, एलिप्स टाइप है, दूसरी बोन के पास एक कॉनकेविटी है इस तरीके की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर जॉइंट और एलिप्सॉइड कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, इस जॉइंट का क्या नाम है, एंगुलर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिप्सॉइड कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है, जिसमें एक बोन ऐसे होगी और दूसरी बोन के पास क्या प्रेजेंट होगी, कॉनकेविटी प्रेजेंट होगी। अब ये आपने कहाँ देखा है, जिसमें ऊपर से ऐसे कॉन्डाइल बन रहा है, कॉन्डाइल के नाम से याद कर लो, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, किसके अंदर फिक्स होते हैं आपके C1, दैट इज एटलस, है ना, तो ये कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, इसकी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है याद करनी, दैट इज बिटवीन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स एंड एटलस। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ये वाला जॉइंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके मेटाकार्पल और उंगलियां, इस जगह पे जो जॉइंट है, दिस इज ऑल्सो एंगुलर जॉइंट, दैट इज बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। यस गाइस, क्लियर। अगले टाइप का जॉइंट, घुड़सवारी करने वाला, घुड़सवारी कौन सी वाला जॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बेटा जी सैडल जॉइंट। ठीक है, घोड़े के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने हॉर्स राइडिंग करी है, वो जानते हैं कि घोड़े के ऊपर ऐसे एक यू नो आपका आसन बना होता है, आसन में क्या है, अगेन एक डिप्रेशन है और फिर उस पर राइडर बैठता है, तो वही होता है सैडल, वेयर वन बोन इज लाइक दैट आसन, ठीक है, सैडल, टर्किश सैडल, एंड द अदर बोन इज लाइक दैट राइडर सिटिंग ऑन दैट सैडल, दैट इज कॉल्ड एज सैडल जॉइंट। एक ही जगह है और ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ये आता है, दैट इज कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बस एक ही जगह प्रेजेंट है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब इज शोइंग सैडल जॉइंट। थंब से याद कर लो यार, थंब नहीं होता कि लिफ्ट दे दो लिफ्ट दे दो, तो लिफ्ट तुम कहां से ले रहे हो, हॉर्स से ले रहे हो ऐसा मान लो, ठीक है, सो बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब ओनली, यस गाइस, सैडल जॉइंट। अगला जॉइंट, अगला जॉइंट वेयर वन बोन इज लाइक दिस, अदर बोन इज लाइक अ रिंग, और जो ये जो बीच वाली बोन है वो ऐसे गोल गोल घूम सकती है, मतलब एक बोन पेग की तरह है, दूसरी बोन रिंग की तरह है, जिसमें ऐसे राउंड रोटेशन टाइप मूवमेंट इज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड एज पिवट जॉइंट, दैट बेटा जी इज कॉल्ड एज पिवट जॉइंट। ठीक है, पिवट जॉइंट एक वो जॉइंट है जिसमें एक बोन है पेग की तरह, दूसरी बोन है रिंग की तरह, कहाँ होगा, जो तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नो जॉइंट, सो दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। इसी जॉइंट की वजह से बेटा नॉडिंग ऑफ हेड इज पॉसिबल, इसी जॉइंट की वजह से बेटा आपका जो नो वाला मूवमेंट है, जिससे आप मना करते हैं, वो पॉसिबल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नो जॉइंट। ठीक, हाँ जी, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, पिवट जॉइंट। तो ये हो गए आपके सारे टाइप के साइनोवियल जॉइंट, सो विद दिस वी आर डन विद फाइब्रस जॉइंट, दैट इज इमूवेबल, कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल, एंड साइनोवियल जॉइंट विच आर फ्रीली मूवेबल। अब याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, याद करने का तरीका अपनी बाजू लो, थोड़ा सा कलाकारी अपनी इस पर करनी पड़ेगी आपको, कैसे करोगे, पेन उठाओ, पेन से थोड़ा सा और गंदा करो, है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, बॉल एंड सॉकेट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, हिंज जॉइंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, ग्लाइडिंग जॉइंट, इधर क्या लिख लोगे, सैडल जॉइंट, इधर क्या लिख लोगे, एंगुलर जॉइंट, ठीक है, इधर क्या लिख लोगे, इस तरीके से, तो आप अपनी आर्म पे खुद लिख भी सकते हैं स्केच से, जस्ट फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक दिन भी अगर आपने उस लिखी हुई आर्म पे देख लिया, तो आपको ये जॉइंट्स कभी भी नहीं भूलेंगे।
क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल में से. एग्जाम्पल आप अपनी बॉडी से रिलेट करके बात करिए. जब आप कोई भी मूवमेंट शो करते हैं, वेन एवर यू शो यू नो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, तो इमेजिन करो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज वर्किंग, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट हिंज जॉइंट इज वर्किंग, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज सैडल जॉइंट इज वर्किंग. तो इस तरीके से जब आप रिलेट करके करोगे, रट्टा नहीं मारोगे, तो हो ही नहीं सकता आपको याद ना हो. ठीक है, तो अगर बेटा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करो एंड शेयर करो. रात में 9 बजे मिलेंगे ऑन ह्यूज डिमांड ECG पर. ठीक है, अब मैम के साथ आप प्लस में भी जुड़ सकते हो. 3 बैचेस चल रहे हैं मेरे, संजीवनी बैच 11th एंड 12th के लिए एंड विजय भव बैच जिसमें आप मुझे देख रहे हैं ऋतु मैम के साथ, जिसमें मैं बायो मॉलिक्यूल्स करा रही हूँ. तो इन सब बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड सीप्लाइव. और भी बैचेस है लाइक ऑल स्टार बैच, समर्पण, परीक्षा, क्रैश कोर्स. ये सब बैचेस में आपको एनरोल अगर करना हो तो मैं फायदे बता देती हूँ. सबसे बड़ा फायदा, अगर आप यूज करते हो बेटा सीप्लाइव कोड, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हर चैप्टर की PDF मैम के द्वारा, हर चैप्टर का DPP, एवरी डे, यस एवरी डे डाउट सॉल्विंग, एंड यू विल डायरेक्टली कम अंडर द पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप बेटा ऑफ मी. यस, आपको सिर्फ मुझे बताना है और आप आ जाएंगे बेटा मेरी डायरेक्ट गाइडेंस में. एंड दूसरी चीज बेटा, अगर आप 21 से 30 जून तक 21st दैट इज टुडे, यस 21st से लेकर 30th जून तक अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको अनअकैडमी हार्ड कॉपी की फॉर्म में नोट्स देगा और आपके घर तक पहुंचाएगा. इट इज ओनली फॉर दिस मच पीरियड. सो आइकॉनिक जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि आइकॉनिक में आपको एक तो पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, और अगर आप इन 9 दिनों में आइकॉनिक ले लोगे तो आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल बाय विच इज फॉर्म्ड बाय अनअकैडमी एजुकेटर्स भी मिलेगा. ठीक, प्राइसेस आपके सामने हैं प्लस के भी एंड आइकॉनिक के भी. ये सारे प्राइसेस बेटा मैं मानती हूँ एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है. अगर आपको ये प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा लगते हैं तो अनअकैडमी लोन की फैसिलिटी भी देता है. तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, एक फॉर्म दिया हुआ है अगर आप लोन चाहते हैं इस चीज़ पर. ठीक है, तो आई विल सी यू नाउ इन द इवनिंग 6 बजे संजीवनी वाले बैच में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन, एंड रात को 9 बजे ECG में. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय.